Welcome. In this video class, you will learn how to change direction of text in the Excel sheet. इस Excel sheet में किस प्रकार से हम लोग किसी भी टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं. जैसे देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो टाइपिंग है ये पूरा हॉरिजॉन्टली टाइप है. इसे हम चाहते हैं इसके डायरेक्शन को चेंज करना, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा. क्लियर, सेलेक्ट किया. उसके बाद आप होम टैब के अलाइनमेंट में, यह रहा आपको ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन में ये देखिए ड्रॉप डाउन मेनू है, क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए एंगल काउंटर, क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, इनकी मदद से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. जैसे मैं देखिए एंगल काउंटर क्लॉकवाइज दिया, सभी का डायरेक्शन चेंज हो गया. उसी प्रकार से आप कोई भी ले सकते हैं, एंगल क्लॉकवाइज, ये देखिए वर्टिकल टेक्स्ट, आप ये देखिए रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, इन सब की मदद से आसानी से आप चेंज कर सकते हैं. एंगल क्लॉकवाइज है ना, और नहीं तो आपको और कुछ चेंज करना है तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे. फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करते ही फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन विंडो आ जाएगा. अब यहाँ इस ऑप्शन विंडो में आप देखिए, ये जो टेक्स्ट है इसे आप आसानी से घड़ी की सुई की तरह इसे घुमा सकते हैं. अब इसे मैं हॉरिजॉन्टली फिर कर दिया, यानी 0 डिग्री, या यहाँ पर डिग्री लिख दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा. और ओके कीजिए, देखिए चेंज हो गया. सो सिंपल, मैं पूरे ऊपर वाले इस रो को सेलेक्ट करता हूँ. पुनः मैं इस ओरिएंटेशन पे जाता हूँ, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट. इस फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में यह अलाइनमेंट टैब हमारा हाईलाइट है और अलाइनमेंट के मेनू है. यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली सेंटर, फिल, राइट, जस्टिफाई आप कर सकते हैं, सेंटर कर लीजिए. वर्टिकली आप इसे सेट कर सकते हैं, टॉप रहेगा कि सेंटर रहेगा वो आप कर सकते हैं. सेंटर कर दिया, ओके. देखिए मैं इसकी चौड़ाई को बढ़ाता हूँ, विड्थ को, तो ये देखिए सेंट्रली है ना. तो इस तरह से आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट है ना. यहाँ आपको रैप टेक्स्ट का भी ऑप्शन है, श्रिंक टू फिट का ऑप्शन है और मर्ज सेल्स के ऑप्शन है. रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल्स का उपयोग तो आप जानते ही हैं, श्रिंक टू फिट क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे. तो ये आप डायरेक्शन यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो देखिए -45 डिग्रीज, ओके, -45 डिग्रीज हो गया. तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट के को रोटेट कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. थैंक यू.